एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती, दिस साइड दीक्षा सैनी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हम अपने डेटा को टेक्सचुअल और टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे डायग्राम्स के फॉर्म में। देखो, हम तीन तरीके से अपने डेटा को क्या है प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ज्योमेट्रिक फॉर्म में, जिसमें हम बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स के थ्रू क्या है अपने डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड आता है हमारा फ्रिक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हम हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओगिव के फॉर्म में क्या है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, जिसको हम टाइम सीरीज ग्राफ्स भी कहते हैं। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको बार डायग्राम्स के बारे में बताऊंगी। अब ये बार डायग्राम्स होते क्या है? बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड रेक्टेंगल्स। बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होते हैं जिसमें हम अपने डेटा को रेक्टेंगल्स और बार्स के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखो, ये आपने अपना एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये आपका वाई एक्सिस है। सपोज कोई फॉर्म एक्स है, उसने अपनी सेल दिखा दी एक्स एक्सिस पे कि उसकी 2018-19 में कितनी सेल हुई, 1920 में कितनी सेल हुई, और उसका प्रॉफिट भाई उसने इसमें 10,000 अर्न किया इस ईयर में और इसमें 5,000। तो आप बार्स और रेक्टेंगल्स के थ्रू क्या कर रहे हो, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बार डायग्राम के कुछ फीचर्स भी होते हैं। अब वो फीचर्स क्या रहेंगे? सबसे पहले आता है आपका ब्रेथ रिमेन द सेम। जो ब्रेथ हो गया आपके बार डायग्राम की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। उससे नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो हम बार डायग्राम क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तरीके, या तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकता है। वो डायग्राम इस तरीके से बनाओगे आप। नेक्स्ट है हमारा इक्विडिस्टेंस। जब हम क्या करते हैं बार डायग्राम्स के थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिस्टेंस होता है इन दो रेक्टेंगल्स या बार्स के बीच में, वो इक्वल डिस्टेंस होता है। इसलिए इसकी ये मेन फीचर रहेगी कि ये इक्विडिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा कॉमन बेस लाइन। जब हमने ये डायग्राम क्या है बनाया है, तो इसकी जो बेस लाइन क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ये नहीं है कि हम अलग से सेल 2018-19 की अलग से दिखाएंगे और 2019-20 की अलग से दिखाएंगे। एक ही बेस लाइन हमारी रहेगी इसमें। नेक्स्ट है हमारा सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम क्या है बार डायग्राम के थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें अपने डेटा को ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अट्रैक्टिव। बार डायग्राम की एक फीचर रहेगी, ये अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे क्या है प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम डेटा को क्या है अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए कि ये डेटा क्या हमें बताना चाह रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो बार डायग्राम होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम होता क्या है, ये वो बार डायग्राम होते हैं जो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी कराया था, या आप एग्जांपल ले लो, ये मार्क्स हैं और इधर स्टूडेंट्स हैं, राम के टोटल मार्क्स हैं 100, श्याम के 200 और सीता के 300। अब हमें ये डेटा दे रखा है, अब हम इसको बार डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं, हम उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले वर्टिकली देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस रहेगी, ये हमारी वाई एक्सिस रहेगी, ये हमारा ओरिजिन रहेगा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लिख दिए और यहाँ हमारे मार्क्स आ गए। जैसे कि राम के मार्क्स हैं 100, जब हम ये बार डायग्राम बनाएंगे तो हमें ये चीज कंसीडर करके चलनी है कि जो हम ये रेक्टेंगल्स बनाएंगे वो इक्विडिस्टेंस पे होने चाहिए। राम के 100 थे, श्याम के 200 और सीता के 300 मार्क्स। तो इस तरीके से क्या है हम वर्टिकली बार डायग्राम्स को क्या है रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें इसी डायग्राम को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ये चीजें क्या है हमारी रिवर्स हो जाएंगी। जैसे कि पहले राम के मार्क्स, फिर श्याम के और फिर सीता के, जो हमारे मार्क्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे।
राम श्याम सीता, इस तरीके से क्या हम हॉरिजॉन्टली अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार डायग्राम्स के थ्रू। उसके बाद क्या आता है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होता है, सिंपल जो बार डायग्राम हमने बनाया था वहां पे हम जो डेटा जो डायग्राम होता है किस ऊपर बेस्ड होता है, सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पे। और मल्टीपल में क्या होगा, टू और मोर सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर आपका जो क्या है डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, जैसे ये मार्क्स दे रखे हैं इंग्लिश के और हमने हिंदी के मार्क्स और ऐड कर दिए। हिंदी में इसके 200 हैं, 400 एंड देन 600। अब हमने इस तरीके से क्या है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, कौन से टाइम में, मल्टीपल बार डायग्राम्स में। तो हम किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ओरिजिन, स्टूडेंट्स। अब देखो राम के मार्क्स हैं इंग्लिश में कितने हैं, 100 थे, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो राम के हमारे इंग्लिश में कितने थे, 100, और हिंदी में 200, ठीक है। और इसको क्या होगा, हम डिफरेंस क्या करेंगे, जो इंग्लिश वाला होगा उस पोर्शन को या तो डार्क कर देंगे, एक वाले को राइट कर देंगे, ताकि हम क्या कर सकें डिफरेंस पता कर सके भाई कौन से मार्क्स जो इंग्लिश के होंगे। और आप साइड में बता भी सकते हो एक सेक्शन बना के कि जो डार्क पोर्शन है वो आपके इंग्लिश को शो कर रहा है के मार्क्स को शो कर रहा है, जो लाइट पोर्शन है वो आपके हिंदी के मार्क्स को शो कर रहा है। उसके बाद आते हैं श्याम के मार्क्स, इसमें क्या रहेगा, इसके इंग्लिश में कितने हैं, 200 है, ये राम के, ये श्याम के, और इसके हिंदी में कितने हैं, 400 है, ये इंग्लिश के रहेंगे और ये वाले आपके हिंदी के। नेक्स्ट है सीता, इसके इंग्लिश में कितने हैं, 300 और हिंदी में 600। तो इस तरीके से क्या है हम मल्टीपल बार डायग्राम्स के थ्रू क्या है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टाइप रहेगी हमारी सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल बार डायग्राम भी कहते हैं। जैसे कि नेम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम क्या करेंगे, जब बार डायग्राम्स के थ्रू एक रेक्टेंगल के थ्रू जब हम अपने डेटा को क्या है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या है पार्ट में क्या डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तभी यहाँ पे बोला गया टोटल वैल्यूज एज वेल एज पार्ट वैल्यूज, हम उन वैल्यूज को क्या है पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करके चलते हैं, स्टूडेंट राम श्याम और सीता, इनके मार्क्स है जो इंग्लिश के और हिंदी के, राम के थे 100, श्याम के 200, सीता के 300 और हिंदी में 200, 400 एंड 600, और इनका टोटल 300, 600 और 900। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए, ये हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इधर हमारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे और इधर हमारे मार्क्स आ जाएंगे। देखो 300, 600, 900। अब राम के कितने हैं, 300, 100, 200, उसमें से 100 जो है वो कितने हैं इंग्लिश के हैं, इस पोर्शन को क्या कर देंगे हम डार्क कर देंगे। जब हम बार डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स हमें ये बात ध्यान रखनी कि हम इक्वी डिस्टेंस पे ही क्या है डायग्राम बनाएंगे, अपना बार डायग्राम्स रेक्टेंगल्स बनाएंगे। जब आप अपनी नोटबुक में बनाओ तो उसको ध्यान से मेजर करके ही बनाएंगे। तो शाम के कितने हैं, 200 और 200 इंग्लिश में और 400 हिंदी में, तो टोटल कितना हो गया 600। तो 200 इंग्लिश में और 400 हिंदी के, और सीता के कितने रहेंगे, 300 इंग्लिश में और 600 हिंदी में, ये इंग्लिश वाला पोर्शन क्या कर देंगे हम डार्क कर देंगे। और इधर एक सेक्शन बना के हम ये भी डिस्क्राइब कर देंगे, जो डार्क पोर्शन है वो इंग्लिश का है और जो लाइट पोर्शन है वो हिंदी का है। तो
तो इस तरीके से क्या है, हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी नेक्स्ट टाइप रहेगी परसेंटेज बार डायग्राम। अभी परसेंटेज बार डायग्राम होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज, क्या हम अपने डेटा को क्या करेंगे परसेंटेज के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने सब डिवाइडेड में पढ़ा था कि हम अपने क्या है एक ही बार में एक ही रेक्टेंगल में क्या है पार्ट्स में उस वैल्यू को क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से हम क्या करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू नेशनल इनकम। जैसे कि आपका है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन सभी सेक्टर का नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि 2018-19 का लगा लीजिए, उसमें प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 20%, सेकेंडरी का 40 और टर्शियरी का भी 40, तो टोटल कितना हो गया हमारा 100%। अब इसके क्या है हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें क्या है हर जो हमारी अबव फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी क्या करते चलेंगे ऐड करते चलेंगे। इसमें 40 ऐड कर दिया 60 और देन टोटल इज 100। उसके बाद 2019-20 का जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेक्टर्स का टू नेशनल इनकम वो क्या रहेगा 15%, 45%, ये हमारा और ये 40%। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे 15, ये हमारा होगा 60 और 100। अब इसको हम बार डायग्राम्स के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। हम डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में क्या कर रहे हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ हमारे सेक्टर्स हो गए और यहाँ उनकी नेशनल इनकम हो गई परसेंटेज के फॉर्म में। क्या आप डिस्क्राइब कर दीजिए कि आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो परसेंटेज के फॉर्म में क्या कर रहे हो डिस्क्राइब कर रही है। हमारा ओरिजिन हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब देखो सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर का 2018-19 में कितनी है 20 और टोटल कितना रहेगा हमारा 100 है 20 प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी का 60। प्राइमरी को आप इस तरीके से शेडेड कर दीजिए और सेकेंडरी को इस तरीके से, तो एक बार हमारा ये हो गया। फिर सेम इक्विडिस्टेंस पे हम 2019-20 का बनाएंगे, ये हमारा 2018-19 का तरह बनाएंगे हम 2019-20 का। इसमें क्या होगा हमारे जो प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का 15%, उसके बाद सेकेंडरी का 60, टोटल 60 वैसे कितना था 45। इसको भी सेम हम क्या करेंगे प्राइमरी सेक्टर को इस तरीके से शेड कर देंगे और सेकेंडरी को इस तरीके से शेड कर देंगे और यहाँ हम डिस्क्राइब कर देंगे कि हमने किस ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा प्राइमरी का रहेगा, जो इस तरीके से शेडेड है वो सेकेंडरी का और जो लाइट पोर्शन है वो हमारा रहेगा टर्शियरी का। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम परसेंटेज बार डायग्राम्स को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी नेक्स्ट टाइप रहेगी डेविएशन बार डायग्राम। अभी डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है, डेविएशन बार डायग्राम नेट डेविएशंस को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जो डेविएशंस होती है वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको डीपली क्या है समझाती हूँ। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस रहेगी। जब डेविएशन क्या होगी नेगेटिव में जाएगी तब हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और पॉजिटिव डेटा को क्या है हम अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम वाई डैश के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ आपके ईयर आएंगे, अब 2009-10 में आप जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1 लाख का हो रहा है। तो 9-10 में 1 लाख का हमने प्रॉफिट शो कर दिया। उसके बाद आता है 2010-11 में कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको हो रहा है 50,000 का। उसके बाद आता है 2011-12 में, 11-12 में जो लॉसेस हो रहे कितने के 50,000 के। तो हम इस तरीके से अपने डेटा को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे 2011-12 में। उसके बाद जो 2012-13 में जो
प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 70,000 का। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ये था हमारा डेविएशन बार डायग्राम। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में ही इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पाई डायग्राम के बारे में बताऊंगी। तो इसके साथ ही फिर हमारा चैप्टर भी नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।